आप देख सकते हैं सारा पर्ल अंदर जड़ा हुआ है, ये मीना का रिवर का आगे है साइड में, और ऊपर से फिर से जड़ा हुआ स्टोन आप देख सकते हैं। पीकॉक देखिए किस तरीके से बनाया गया, पाची जो पीकॉक के पंख है उसमें सब पाची कुंदन लगाया हुआ है, घुंघरू लगाया हुआ है, कुंदन की डब्बी लगाई हुई है, ओरिजिनल कुंदन लगाया हुआ है, चांदी का इस पे पीछे फॉयल होता है ना, ये लीफ वर्क यहाँ पे हैंड वर्क किया गया है। ऊपर जो ये चेकर स्टोन रेड कलर का चेकर स्टोन आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ग्रीन कलर का रूबी, ये रूबी के साथ पन्ना स्टोन इस पे लगा हुआ है। दोस्तों हमारे साथ यहाँ के ओनर मिस्टर अरियन जी, वेलकम बैक सर हमारे चैनल पे। सर सबसे पहले अपने फर्म के बारे में बताइए हमें। जी सर, फर्म का नाम अरियन बैंगल्स है। सारी वेरायटी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, कुंदन, पॉलकी, अमेरिकन डायमंड, उसमें इयर रिंग्स, बैंगल्स, हर चीज, रिंग्स, ब्रेसलेट, सारी चीजें मिलती हैं। फॉर्मिंग गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड, सारी चीजें आपको वन रूफ के अंडर मिल जाएंगी। 35 से 40 ईयर्स पुरानी कंपनी है, ट्रस्ट आप पूरा कर सकते हैं और सारी चीजें अंडर वन रूफ मिल जाएंगी। और आज की डेट में सिर्फ हम बैंगल्स देखने वाले रजवाड़ी प्लेटिंग में, प्रीमियम क्वालिटी में देखेंगे। जो आजकल हॉट सेलिंग है, ट्रेंडिंग में है, वो देखेंगे। रजवाड़ी में, कुंदन, पोलकी में बैंगल्स देखने वाले। बिल्कुल, अभी हमारी लास्ट वीडियो एडी की थी, तो आज आपको ये दिखाना शुरू करते हैं। पहला पीस एकदम ट्रेंडिंग वाला होने वाला है, सर बताइए इसके बारे में। सर ये पछेरी स्टाइल है, आप साइड से देख सकते हैं, ये राउंड शेप में जो बना, ये लीफ वर्क यहाँ पे हैंड वर्क किया गया है। ऊपर जो ये चेकर स्टोन रेड कलर का चेकर स्टोन आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ग्रीन कलर का रूबी, ये रूबी के साथ पन्ना स्टोन इस पे लगा हुआ है। और ये सब एडी स्क्वायर शेप में, एडी का वर्क, फ्यूजन वर्क है, एडी रूबी ग्रीन में पूरा हैंड वर्क है। रजवाड़ी प्लेटिंग आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा सेलिंग होने वाला ये पीस है। ठीक है, इसके बाद सर इससे अगला मैं थोड़ा टेंपल में दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं लक्ष्मी जी बीच में, आप दिखा सकते हैं कि लक्ष्मी जी किस तरीके से बनाई गई है। सारी हैंडमेड बैंगल्स आपको दिखाने वाला हूँ। इस पे देखिए पीछे जो बैंगल्स के लिए पीछे का जो काम है वो भी सारा हैंडमेड होने वाला है, टोटल हैंडमेड, और सब ओपनेबल होता है सर। ये इसमें पेच होते हैं और सारा ये ओपन होने वाला, जैसे आप ये साइड में स्क्रू देख सकते हैं, इसको आप घुमा के एक पीस खोल के दिखा देता हूँ। बिल्कुल, और यहाँ पे ये क्योंकि स्क्रो ओपन होता है तो ये वन साइज ऊपर एक साइज नीचे भी एडजस्ट कर सकता है, कोई भी साइज पहन सकते हैं। और ब्रेसलेट स्टाइल में ये बैंगल्स होने वाले हैं। और इस टाइप के काफी सारे डिजाइन होने वाले हैं, तो वीडियो आप एकदम पूरा देखिएगा ताकि आप सारी चीजें समझ सकें। इसमें आप एलिफेंट देखिए, बिल्कुल ये माता लक्ष्मी में होने वाला है, काफी बढ़िया। यहाँ पे पूरा टेम्पल ज्वेलरी में बैंगल आने वाला है, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी माता, और ये हाथी, हाथी पर इस पे सवारी भी देख सकते हैं आप लोग बैठे हुए, उस तरीके से ये डिजाइन किया हुआ है। डिटेलिंग काफी अच्छी की गई है, डिटेलिंग, फिनिशिंग, स्मूथनेस आप देख सकते हैं पीस की कैसी है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि जो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा उन सब में से आप एक एक, दो दो, तीन तीन जितने पीस लेना चाहें आप लेके सकते हैं, और मिनिमम आप यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। साइज सारे मिलते हैं। अब ये कुंदन में आ गया सर, ये पाची कुंदन है, ये रूबी कलर का स्टोन है, ये घुंघरू इस पे दिए गए हैं जी सारे। पीकॉक, पीकॉक देखिए किस तरीके से बनाया गया, पाची जो पीकॉक के पंख है उसमें सब पाची कुंदन लगाया हुआ है, घुंघरू लगाया हुआ है। बिल्कुल, और ये पूरा है थोड़ा, मतलब अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो समझ आएगा कि यहाँ पे मोर है, मोर का जो सिर है और ये पीछे जा रहा है इसका पंख, और ये पूरा फैल गया पीछे से, तो ये डिटेलिंग होने वाला है, मतलब कारीगर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। इसके बाद एक और पछेली का डिजाइन साइड से मैं दिखा दूँ, साइड में भी पीस निकाल देता हूँ मैं। ये देखिए हैंडवर्क, सारा सारा हैंडवर्क, ये भी स्क्रू में होने वाला, पेच में होने वाला, खोल, ज्यादातर तो आज हम स्क्रू वाला ही दिखाएंगे टोटल सर स्क्रू में। ये देखिए इस तरीके से ऊपर का डिजाइन होने वाला, काफी अच्छा लग रहा है। उठावा ऊपर से आप देख सकते हैं, पछेली स्टाइल इसको बोलते हैं। ये पर्ल वर्क, रूबी वर्क, बहुत सारी डिजाइनिंग दिखाने वाला और बहुत जबरदस्त डिजाइनिंग आज आपको देखने को मिलने वाली। अगला डिजाइन ये देखिए कुंदन में रूबी कलर हाइड्रो स्टोन में, ये पूरा बीच में रूबी लगाया हुआ है, साइड में कुंदन के स्टोन लगाए हुए हैं। तो बहुत ही रीजनेबल रेंज है जो आज मैं दिखा रहा हूँ, बहुत रीजनेबल रेंज है। सारा ब्रास में है और सारा हाई क्वालिटी में। आप शोरूम में आप नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप अच्छी क्वालिटी रखना चाह रहे हैं, इंडिया में, इंडिया से बाहर, वर्ल्ड वाइड ये सारी ज्वेलरी चल रही है, और आप इसको वीडियो कॉल करके या शॉप पर विजिट करके ले सकते हैं। ये देखिए अगला डिज़ाइन किस तरीके से, हैंडवर्क देखिए सर, राउंड शेप, ये हाफ राउंड किया हुआ, ये कोई फ्लैट नहीं है, इसको राउंड में करके बनाया गया। और फिनिशिंग देखिए सर बहुत ही अच्छा है। ये भी स्क्रू देखिए, इसका स्क्रू भी ऊपर की तरफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्क्रू ऊपर की तरफ दिया गया, ऊपर से ये खुलने वाला पीस है।
यहाँ से खुल गया। और स्क्रू भी है ना, थोड़ा डिजाइनर सा है, फ्लावर टाइप का बना हुआ है। स्क्रू के ऊपर आप देख सकते हैं फ्लावर की डिटेलिंग, आप दिखा सकते हैं जूम करके, फ्लावर में दिया गया। और इस तरीके से ये अपने वाले अंदर जाली दी हुई है, अंदर से ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कमी छोड़ी हुई है। ये सब रियल में गोल्ड में डिजाइन बनते हैं, 3-3, 4-4 लाख में सेम डिजाइन आपको बन जाएंगे। और ये सिर्फ 865 की रेंज में आपको आर्टिफिशियल में मिल जाएगा। वैसे सारा कितने से स्टार्ट हो जाता है इसमें अपने पास? 200-250 से रेंज रुपए में इसमें स्टार्ट हो जाएगी और ऊपर तक सारी रेंज आती है। जैसे मैंने अभी एक पीस दिखाया 865 की रेंज का जी, ये वाला देखिए, ये भी सब रियल गोल्ड के डिजाइन, हैंड वर्क, फिनिशिंग, शाइनिंग आप देख सकते हैं, प्लेटिंग काफी अच्छा। अगला डिजाइन मैं जड़ाओं में दिखाने वाला हूँ, ये भी ओपनेबल होने वाला है। इस तरीके से ओपनेबल होने वाला है, सिर्फ आपको खोलना है और पहनना है, कोई स्क्रू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस तरीके से सर ये देखिए जड़ाओं में काफ़ी ट्रेंड में, साइड में पर्ल वर्क, अंदर जड़ा हुआ स्टोन है ये, आप देख सकते हैं सारा पर्ल अंदर जड़ा हुआ है। ये मीनाकारी वर्क आ गया है साइड में और ऊपर से फिर से जड़ा हुआ स्टोन आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा पीस ये बिकने वाला पीस है। अगला एक और पछेली स्टाइल, हैंडवर्क ऊपर स्टोन, जैसे पिंक, मिंट, रूबी, ब्लू, येलो, फिर पिंक, मिंट, रूबी, ब्लू, येलो, इस तरीके की इसमें कॉम्बिनेशन दिया गया है और ऊपर पर्ल का काम देख सकते हैं। स्टोन के सारी चारों तरफ इसमें सर्कल में पर्ल लगाए हुए हैं, काफी अच्छा। एक और डिजाइन देखिए, ऊपर सारा रूबी से भरा हुआ है देख लीजिए, और साइड में बारीक स्टोन, नवरत्न स्टोन लगाए हुए, अंदर मीनाकारी वर्क। इस तरीके की डिजाइनिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाली, सिर्फ अरियन बैंगल्स पे मिलने वाली है। और यही सारी डिजाइनिंग देखने के लिए मेरा इंस्टाग्राम का पेज जरूर फॉलो करिए, पहले पूरी वीडियो देखिए फिर इंस्टाग्राम का पेज भी अरियन बैंगल्स के नाम से सर्च करके जरूर फॉलो करिए। अब ये सर ये देखिए साइड में किस तरीके से इसमें पर्ल का नवरत्न का वर्क है और ऊपर से पछेली स्टाइल में इसको भी बनाया गया। ये देखिए डिटेलिंग देखिए इस पीस में, काफ़ी अच्छा बारीक काम किया गया है, ठीक है। और इस टाइप का अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, आपका शॉप है या ऑनलाइन आप बेचते हैं, तो मिनिमम आप परचेजिंग कर सकते हैं। सर अगर कोई ऑनलाइन मंगाना चाहता है तो कितने का मंगा सकता है वैसे आप? सर मिनिमम 10,000 का मंगा सकता है, डोमेस्टिक शिपिंग आप इंडिया में मंगा रहे हैं 10,000 का आप मंगा सकते हैं, शॉप विजिट करके मिनिमम 10,000 का आप ले सकते हैं। आप इंडिया से बाहर हैं, इंडिया से बाहर आपको शिपिंग चाहिए तो 25,000 का मिनिमम ऑर्डर है। वीडियो कॉलिंग पर ले सकते हैं और विजिट करके भी ले सकते हैं, हमारे यहाँ बाहर से भी क्लाइंट आके बाइंग करके जाते हैं और वीडियो कॉलिंग पे भी करके जाते हैं। बिल्कुल, इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ अगला डिजाइन, ये देखिए सर ये भी स्पेशल डिजाइन होने वाला है। ओके, ये तो काफी स्पेशल है, काफी बड़ा हैंडवर्क, देखिए मैं इसको हैंडवर्क दिखा देता हूँ इसका, किस तरीके से ये जो लीफ बनाई गई है, कितनी फिनिशिंग, कितनी शाइनिंग के साथ आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल, एक पीस में आपको इस स्टेप से लेके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। पीस काफ़ी डिटेल किया गया है और ये सिर्फ बीच में नहीं, साइडों में भी आप देख सकते हैं काम किया गया है, नीचे ऊपर दोनों, और यहाँ पे अगेन स्क्रू वर्क होने और इनसाइड फिनिशिंग अच्छी है, ठीक है। बहुत ही प्यारा पीस है और बड़ा साइज़ है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, अगर आप इनको देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा साइज़ है। बाराती स्टाइल में बैंगल्स होने वाला है जी, दुल्हन दुल्हन जी, दुल्हा दुल्हन आपको देख, दुल्हा दुल्हन आपको दिख रहे हैं, उसमें बीच में फ्लावर का वर्क आ गया, फिर से दुल्हा दुल्हन, और ये पहले ग्रीन कलर में फ्लावर आया, ये रूबी कलर में आ गया है जी। अगला डिजाइन लक्ष्मी जी में, इसकी डिटेलिंग, इसकी शाइनिंग देखिए, पूरा शाइनिंग फिनिशिंग जबरदस्त, या मैट फिनिशिंग है ना। अब साइड से भी देखिए सर पर्ल लगाया हुआ जी, मतलब साइड में भी कमी नहीं छोड़ा, मतलब डिजाइनर पीस दिखे, वो नॉर्मल डिजाइनिंग नहीं है कि पीस डिजाइनर दिखे, उस तरीके की मेरे पास डिजाइनिंग आपको मिलने वाली है जी। और जैसा कि हमने बताया था अभी इससे पहले एडी बैंगल्स की भी हमारी वीडियो आई थी, तो वो भी जरूर देखिएगा कि सारी वैरायटी होती है। और पूरे चैनल की आप प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा बैकग्राउंड जो है ये एडी बैंगल्स का है, जो कि हमने एडी में सेक्शन में दिखाया था, और इधर इनका जो है ना पूरा कॉपर का है, और ये जो भी है आपका टेम्पल ज्वेलरी रजवाड़ी ये सारा आपको मिल जाएगा। एक आप ये देखिए क्या ही बेहतरीन काम है इसमें, बैंगल्स के साथ नेकलेस, इयररिंग, सारी वीडियो काफ़ी यूट्यूब पे स्मार्ट भाई जी चैनल पे आप देख सकते हैं। और डेली अपडेट के लिए जैसा कि मैंने बताया इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा अरिहंत बैंगल्स को, उस पर सारी डिटेलिंग अपडेट प्रोडक्ट्स की मिलती रहेगी आपको डेली। ये देखिए अगला डिज़ाइन, ये रूबी कलर जो ओरिजिनल में यूज़ होता है, कुंदन, कुंदन की डब्बी लगाई हुई है, ओरिजिनल कुंदन लगाया हुआ है, चांदी का इस पर पीछे फॉयल होता है, ऐसा नहीं है कि ये प्लास्टिक का चिपका दिया है, सोनी सब कुंदन जो हैंडमेड बनाया गया है चांदी की डब्बी से, काफ़ी अच्छा। अगला डिज़ाइन ये देखिए, इसमें मिंट कलर का मीना, पिंक कलर का मीना, येलो कलर का मीना, और ये रूबी कलर के चेकर स्टोन इसमें लगाए हुए हैं, मतलब इस टाइप का कलर है ना कि किसी भी कपड़े पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मल्टी कलर का है, साइड से भी देखिए फिनिशिंग फुल है और काफ़ी रिजनेबल रेंज में भी ये सब ज्वेलरी आपको मिलने वाली है। अगला एक कुंदन में देखिए,
थोड़ा हैवी होगा कुंदन में, ब्रॉड में है, अच्छा सेल होता है। स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, आपको अगर इसका प्राइस जानना है स्क्रीनशॉट लेके जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, जो अरिहंत बैंगल्स का नंबर है उस पर भेजिए और प्राइस पूछ सकते हैं आप। इसको अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए ताकि आपको पता लगे कि डिमांड क्या है इन चीज़ों की मार्केट में। जी ये देखिए, आप अपने स्टेटस पे लगाएंगे तो कस्टमर आपसे बार बार इनके प्राइसेस इनके लिए ऑर्डर करने वाले हैं। काफ़ी हाई फिनिशिंग में होने वाला है ये सब कुंदन में, सब अनकट कुंदन देख सकते हैं, इसको अनकट कुंदन बोलते हैं। पहला भी दिखाया था मैंने अनकट कुंदन में जी। और ये भी अनकट कुंदन का मतलब क्या होता है सर? सर जो जैसे राउंड शेप का कुंदन आता है, ओवल शेप का कुंदन आता है, एक स्पेसिफिक शेप होती है, आप एडी देखते हैं राउंड होता है जी, स्क्वायर होता है, पर ये शेप अनइवन शेप है, आप इस शेप को ये राउंड स्क्वायर नहीं कह सकते, ये सब अनकट शेप होती है जी, मतलब बिना काटे इसको मतलब सेट किया गया जी, ये हैंडमेड हाथ से बनाया जाता है। ये देखिए ये मीनाकारी, सारा एनेमल वर्क, रूबी वर्क, रियल के डिज़ाइन, फिनिशिंग एकदम रियल वाली होने वाली। और ये कितने का होगा जैसे कि मैं पूछूं इसका प्राइस? सर सब 1000 के अंदर की रेंज। ओके चलिए, आपको 1000 के अंदर का और आसपास का ही होने वाला है मतलब कि। तो अगर आपको कंफर्म प्राइस जानना है तो भाई कुछ होना चाहिए पूछने के लिए व्हाट्सएप पे, तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर कॉल भी कर सकते हैं। अगला, किस तरीके से ऊपर आप ब्रास की जो फिनिशिंग यहाँ पे देख सकते हैं, प्लेटिंग की फिनिशिंग देख सकते हैं, जो ये फिगर लगाई हुई है ब्रास मेटल में, ऊपर ये ग्रीन कलर का स्टोन, नीचे पर्ल वर्क, यहाँ पे वर्क देख लीजिए, हैंडवर्क ज़बरदस्त मिलने वाला है, फिनिशिंग ज़बरदस्त मिलने वाली है और डिज़ाइनिंग तो अनलिमिटेड मिलने वाली है। अगला डिज़ाइन ये देखिए फ्लावर में, ये बेहतरीन लग रहा है, इसी का अलग से हो जाता है, इसी का जैसे हमने एक सिमिलर डिज़ाइन देखा था, ये थोड़ा उसमें था बीड्स में था, ये थोड़ा बीड्स हटा के मोती वर्क इसमें यहाँ पे दे दिया है, कुंदन दे दिया है और मीना इसमें, यहाँ पे जाली था तो इसमें पूरा मेटल में इसमें फिनिशिंग करके एकदम गोल्ड। वैसे इसका जो मेटल होता है क्या होता है, कॉपर होता है या क्या होता है? सर ये ब्रास मेटल होता है और कॉपर ज्वेलरी इसको बोलते हैं सारे, ठीक है, ये सब कॉपर में होता है जी। ये देखिए ये वाला तो पूरा अलग सही है, बहुत ही यूनिक डिजाइन है, फिनिशिंग बिल्कुल सर, इसकी कटिंग, शाइनिंग, फिनिशिंग जैसे गोल्ड पे लेजर कट किया जाता है ना, उसी टाइप का कुछ इस पे कट है, तो जब आप पास से देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा, वीडियो कॉल के जरिए भी आप देख सीख सकते हैं। ये देखिए अगला डिजाइन ये देखिए, इस तरीके से मिलने वाला एकदम बारीक एडी है, एकदम डिजाइनर पीस है, चेकर स्टोन लगा हुआ है, कितना छोटा साइज का, ये सब एडी लगा हुआ है, चेकर स्टोन लगा हुआ है, तो फिनिशिंग शाइनिंग में आपको कोई कंप्लेंट नहीं आने वाली। बिल्कुल, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद आपको इन सभी में ना, हो सकता है किसी में कलर भी मिल जाए, वैसे ज़्यादातर इनमें तो एक ही कलर होता है ना सर? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ये मल्टी कलर का आइटम होता है, ये एक ही कलर सभी चीज़ डिज़ाइन आपको काफ़ी मिलने वाले। जैसे ये अगला डिज़ाइन ये हो गया कुंदन में, पछेली में बहुत अच्छा सेल, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कोई दूसरा स्टोन नहीं होता, रूबी स्टोन ही होता है और रूबी का एक ही कलर है, ये आप या तो ग्रीन या तो आपका रूबी, ये रूबी और वाइट भी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं पीकॉक, इस पर आप जूम करके दिखा सकते हैं, पीकॉक बना हुआ है, पीकॉक बना है और उसके मोर पंख पे ना मतलब कि वो कुंदन सेट किया है रूबी, ठीक है सर। और मैं आपको आगे ये पछेली भी दिखाऊंगा, आगे और भी चीज़ें हैं, तो आप बने रहिए एंड तक। और अगर आप पेज पे फेसबुक पेज पे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए ताकि आप और वीडियो देख सकें, और अगर यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वाला देखिए कितना डिटेलिंग में फ्लावर बनाया गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है, फ्लावर दिखाइए। बिल्कुल सर, काफ़ी डिटेल में बनाया गया है, फ्लावर के पे नीचे जो एडी का स्टोन दिया हुआ है रूबी कलर में, बारीक एडी, फिर मिंट कलर, मिंट और रूबी का कॉम्बिनेशन स्टोन आपको मिल जाता है, तो मतलब प्रीमियम जो होता है ना असल वाला वो है यहाँ पे। अभी एक पछेली सर, आप इसको जूम करके दिखा सकते हैं, फिर मैं एक बार काफी ज्यादा बड़े बड़े साइज में आपको देखिए पूरा हाथ एकदम कवर कर रहा है, काफी छोटे के साथ भी पहने जाता है ताकि लुक जबरदस्त है। बिल्कुल देखिए ना, दोनों हाथों को कवर कर लिया, इतना बड़ा पीस है, ऊपर से इस तरीके से बिल्कुल काफी हैवी साइज है। और इसके बाद इसमें कलर जो है ना मल्टी कलर है, हो सकता है सिंगल कलर भी हो इसमें? नहीं सर, इसमें मल्टी कलर से नवरत्न में ही चलता है उस तरीके से आपको। एक आप ये देख सकते हैं, ये वाला आपको यहाँ पे काफी ग्रीन कलर का मीना, इसके ऊपर पर्ल रूबी कलर का यहाँ पे स्टोन है, चक्कर स्टोन लगा हुआ है, और ये पूरा फ्लावर पे नीचे हैंडवर्क, ये लीफ बनाई हुई है ऊपर फ्लावर, ये बारीकी देखिए काम की, कितना आप बारीक काम की, जैसे गोल्ड जूल गोल्ड वाले कारीगर इन सब चीजों को बनाते हैं वही चीज आपको एकदम। तो इसमें सर कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि एक डिजाइन का आपको दो पीस चार पीस ऐसा कुछ? मिनिमम ऑर्डर 10,000, टोटल वैल्यू 10,000 होनी चाहिए, आप जितना मर्जी पीस ले सकते हैं, हर एक डिजाइन के एक पीस, दो पीस, चार पीस, जो कलर पसंद है, जो साइज पसंद है वो आप ले सकते हैं। लक्ष्मी जी और रूबी कलर का
मिक्सचर आप देख सकते हैं। स्टोन सारा रियल स्टोन यूज़ होता है, जो गोल्ड की ज्वेलरी में रियल ज्वेलरी में यूज़ होता है। इसी सब की मेकिंग हज़ारों में चार्ज कर लेते हैं। ये बैंगल बनाएंगे कम से कम 15,000-20,000 या उससे भी ज़्यादा मेकिंग चार्ज कर लेंगे। बिल्कुल बट ये बैंगल कुछ हज़ार में या हज़ार से कम आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। अगला डिज़ाइन इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर है ये। इधर आपको ये पूरा क्या है ये सर, बीड्स होता है पोत होता सर है सर? ये वही पर्ल का काम, पर्ल का काम होने वाला है और पूरा मीनाकारी प्लस कुंदन है। कितना बारीक काम है, जिस तरीके से लीफ बनाई गई है ना, आप उसको ये सोचिए कि इतना महीन काम, इतना बारीक काम, कोई मोटा काम नहीं है। मैं फोकस करता हूँ अभी, देखिए कितना डिटेल काम है। ऐसा कोई काम नहीं है कि मीनाकारी कर रखी है पर मोटा मोटा मीना कर दिया। एकदम जो रियल में यूज होता है ना, एकदम फिनिशिंग वाला काम। और यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि इस साइड का जो मेटल है ना वो प्लेन है, इस साइड का आप देखेंगे कि तो थोड़ा कट सब हुआ है, थोड़ा डिजाइनर पीस है। बिल्कुल एकदम डिजाइन पीस, डिजाइनर पीस काफी अच्छा लग रहा है। और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक ये वाला देखिए कुंदन में हाई फिनिशिंग के साथ, एकदम हैवी कुंदन जो इसको कहते हैं, फुल कुंदन में होने वाला है। अनकट कुंदन आप देख सकते हैं, ये शेप्स देख सकते हैं सारी अनकट कुंदन में। बैक साइड मीनाकारी होगा, इन साइड आपको इसके अंदर सॉरी ये मीनाकारी कहते हैं ना इसको जी, पूरा आपको मीनाकारी मतलब ओरिजिनल का पहचान बस मीनाकारी है, ठीक है। और हैवी कुंदन, पूरा हैवी पीस है ये थोड़ा। ओके इसके बाद देख लेते हैं हम अगला डिज़ाइन, ये देख लीजिए कलश इसमें बनाया हुआ है मिंट पिंक मीना करके, मिंट मीना देख सकते हैं सॉरी, और ये मरून मीना है और ये रूबी कलर का स्टोन है। ये सब डिज़ाइन अपडेट होता रहता होगा सर, है ना, टाइम टू टाइम? सर डेली न्यू डिज़ाइनिंग, टाइम टू टाइम में मेरे पास डेली न्यू डिज़ाइनिंग मिलेगी। सो अगर आप मतलब हर हफ्ते विजिट कर सकते हैं ना शॉप पे तो सबसे बेस्ट है, आपको न्यू वैरायटी आपके स्टोर के लिए मिलती जाएगी। आप नया काम स्टार्ट करना जा रहे हैं तो आपके वैरायटी भरपूर मिलने वाली है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है खास करके इन ज्वेलरी में कि आपको रेगुलर मिलता है, तो अगर आपको वो चाहिए तो वो भी मिलेगा, लेकिन अगर डिज़ाइनर चाहिए जो रेगुलर अपडेट होता है वो भी आपको मिलता रहेगा। डिज़ाइन एकदम अलग, राउंड शेप में, जिसको हाफ राउंड बोल सकते हैं, राउंड में बनाया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्लेन है। और फिनिशिंग भी देखिए साइड से भी बिल्कुल एकदम जबरदस्त, एकदम चाली, बहुत ही अच्छा बारीक काम, बारीक डिटेलिंग है पूरा। नेक्स्ट देखते हैं सर, एक ये देखिए, ये मेरे को हटके दिख रहा है थोड़ा ना, इसकी जो प्लेटिंग है, पॉलिश है, थोड़ा हटके है। ये हाई गोल्ड में आ जाती है, अभी जैसे मैट रजवाड़ी में देख सकते हैं, ये प्लेटिंग आपकी हाई गोल्ड में आ गई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, प्लेटिंग खराब नहीं होती। हाँ ये प्लेटिंग खराब नहीं होती, और ये रूबी कलर का जो स्टोन देख सकते हैं स्क्वायर कलर में, काफी शाइन कर रहा है सर, एकदम जैसे लग रहा है कि जैसे एक मैट स्टोन शाइन करता है ना, मैट जो हमारा पत्थर उस टाइप का सर, ओरिजिनल चीज है तो शाइन तो करेगी ही। ये देखिए, अब ये देखिए मेरे पास नकली चीजें, प्लास्टिक नहीं लगता तो शाइनिंग तो पूरी मिलने वाली है। देखिए स्टोन में शाइनिंग, देखिए एलिफेंट बना हुआ है, गणेश जी है इधर, एलिफेंट डिटेलिंग है। तो एक बार आप विजिट कीजिए, एक एक पीस आप अपने हाथों से निकाल के आराम से बैठ के देखिए, जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। अभी इसमें फ्लावर आप देख सकते हैं, फ्लावर बना हुआ है जी। जाली वर्क है, नीचे भी इसमें आपको जाली मिलती है। कुछ लोगों के पास ये फिनिशिंग नहीं मिलेगी, नीचे जाली हटा देते हैं कॉस्टिंग कम करने के लिए, मतलब वो सिंपली गड्ढा सा होता है यहाँ पे ना, तो मजा नहीं आता सर उसको पहनने में, रियल लुक नहीं देता। 100-200 बचाने के चक्कर में आपका हाथ वगैरह कट सकता है, हाथ भी कट सकता है, रियल लुक नहीं लगता, और 100-200 भी नहीं बचने ऐड दिए, क्योंकि जब आप इसको रिटेल में बेचेंगे तो बिकने नहीं वाला अगर फिनिशिंग। बिल्कुल ये देखिए सर, काफ़ी अच्छा, तो मतलब वही बात है कि अच्छी चीज़ बेचेंगे तो कस्टमर भी आपके बार बार आएगा। और अगर आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एक बार मुझे एड्रेस और बताइए सर अगर कोई विजिट करना चाहता है तो। सर सदर बाज़ार दिल्ली में शॉप है, राम रहीम मार्केट में जी, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन 30,000 ही आर के आश्रम मार्ग है, दो मेट्रो स्टेशन है जो पास में है, तो आप मेट्रो से आ सकते हैं सदर बाज़ार दिल्ली। बिल्कुल 12 टूटी चौक पे आके अगर आपको नहीं समझ आता तो कॉल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नियर रेलवे स्टेशन है पुरानी दिल्ली न्यू दिल्ली, पूरा एड्रेस का गाइड आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए गणेश जी, क्या बात है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनाया गया है। सारा टेम्पल ज्वेलरी में पूरा रेंज मिलेगा, जड़ाओं में पूरा रेंज मिलेगा, और कुंदन के बैंगल्स में पूरा रेंज मिलने वाला है, पाचे कुंदन में भी। वो नेक्स्ट वीडियो में हम पाचे कुंदन आपके लिए कवर करेंगे। ये देखिए एलिफेंट, देखिए कितना छोटा एलिफेंट, स्मॉल एलिफेंट इस पे बनाएंगे, मतलब कारीगर ने पूरा काम किया। और इतने छोटे पीस को बनाने में और डिटेलिंग देने में ना बड़ा मुश्किल होती है, उसी चीज़ के क्या पैसे भी लेता है कारीगर। बिल्कुल इसके आगे देख लेते हैं हम ये वाला डिज़ाइन, ये दिखाते हैं, ये भी एकदम गोल्ड लुक में, बिल्कुल ये काफ़ी डिजाइनर सा लग रहा है। ये सब ना 1 ग्राम गोल्ड में आराम से बोल के बिक सकता है, और क्वालिटी इतनी हाई है ना कि आपको कोई कोई दिक्कत ही नहीं होगा। डिजाइन मैं ये दिखाऊंगा आपको, ये देखिए एकदम रियल गोल्ड लगेगा ये तो आपको।
इसका पेच भी देखिए किस तरीके से लगा हुआ, ऊपर से जो पेच है ना वो काफी अच्छा लग रहा है। साइड में भी इसमें स्टोन दिया हुआ है और ये फिनिशिंग, मतलब लग ही नहीं रहा कि ये ऊपर से ओपन होगा क्योंकि एकदम डिजाइनर है पूरा, पीकॉक बनाया हुआ है। पीकॉक का पंख आप देखिए ऊपर पूरा, और जैसा अंदर की जाली का मैंने बताया इसमें भी जाली है, कोई अंदर पूरा लीफ वर्क है, पीछे भी मोर है, मतलब दोनों साइड मोर है, बीच में लीफ होने वाला है। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं इधर भी मोर है, इधर भी मोर है, बीच में आपको ये लीफ वर्क होने वाला है इस साइड से। तो काफ़ी अच्छा पीस है और साइजेस ये फ्री हैं तो साइज का कोई इशू होने नहीं वाला। और एक ये देखिए डोली वाला, डोली सेट, डोली एलिफेंट, इसमें आप देख सकते हैं डोली ले जाने वाला, अंदर दुल्हन बैठी है, ये डोली है और ये पूरा डिटेलिंग कर दिया है, काफ़ी डिटेल पीस है, बहुत ही अच्छा। इस तरीके से आप अगला ये देख सकते हैं, ये पूरा पोलकी लुक में आ गया जी, और एडी लगा हुआ है सारा। आप अगला एलिफेंट में भी देख सकते हैं, एलिफेंट में आ गया। तो इसी तरीके से सर काफी डिजाइनिंग में, ये बॉल्स में है, इसका मुझे दिखाइए, ये काफी अच्छा लग रहा है। रियल गोल्ड एकदम सिंपल, जो सटल डिजाइन बोलते हैं एकदम सिंपल डिजाइन है, जो पहन के अच्छा लगने वाला एकदम गोल्ड। रियल क्या है, गोल्ड क्या है कोई बता नहीं सकेगा, इतना डिटेलिंग है। ये वाला पीस सच में मजेदार है, इसका जो रूबी सेट हुआ है ना वो एकदम अंदर सेट हुआ है और बाकी चीजें को भी डिटेल बहुत अच्छा है। सेटिंग सर देखिए किस तरीके से अंदर की गई है, उसके ऊपर मेटल वर्क है, जो फिनिशिंग है इस तरीके से इसको बनाया गया। तो आप जब विजिट करोगे ना, मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब आप किसी भी शॉप पे विजिट करते हो तो आप उसके बारे समझते हो, जानते हो और आपको ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, उसके बाद तो आप ऑनलाइन मंगाइए, जैसे मर्जी मंगा सकते हैं। सर ऑनलाइन भी इतना बाइंग कर रहे हैं लोग, इंडिया में, इंडिया से बाहर भी फुल ऑर्डर रहते हैं, तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके ही आपको वीडियो कॉल करना पड़ेगा, तो ज़रूर शेड्यूल करा लीजिए अपनी वीडियो कॉल के लिए मीटिंग। और मैं यही कहूँगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अरिहंत बैंगल्स का पेज इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, तो आपको न्यू वैरायटी क्या ट्रेंड में है, क्या चल रहा है, वो सब पता लग जाने वाला है। ये देखिए इस तरीके से साइड में स्टोन, ऊपर से इस तरीके से, इस टाइप के बहुत सारे आपको यहाँ पे ज्वेलरी देखिए पर्ल में है। ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे बॉल्स में हो गया। बिल्कुल, तो सर डिजाइनिंग तो भरपूर मिलने वाली है, अरिहंत बैंगल्स पे विजिट करिए, और नेक्स्ट वीडियो भी हमारी जल्दी आने वाली है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फॉलो करिए। बिल्कुल, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो दिल से शुक्रिया, हम आपको जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।